और आइए अब सीधे आपको बिजनौर लिए चलते हैं, जहां पर बीएसपी प्रत्याशी अफजल सिद्दीकी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भाई कह रहे थे आपको एक शेर पढ़ के सुनाया कि तेरे घमंड को, तेरे गरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, उस सूरज ही सही बुझा के छोड़ूंगा, और मैं अपने मुल्क की अमन शांति के लिए हर हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। लेकिन ये बहुत घमंडी आदमी है और इनका गुरूर, इनका घमंड टूटेगा। बहुत दूर नहीं है इसी 2017 के जो विधानसभा के आम चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन इनका घमंड टूटे। तो ये तो घमंडी इंसान है, गुजरात में जाएगा वो, हाँ वही जाएगा। नहीं, नहीं चलेगा गुजरात में। तो देश के लोगों की पीड़ा का मजाक उड़ाते हुए विदेशी मीडिया को संबोधित किया। लेकिन जब जापान से नरेंद्र मोदी जी वापिस आए, जब वापिस आए तो उनके सलाहकारों ने उन्हें बताया कि साफ गलती हो गई, देश में चारों ओर त्राही त्राही मच गई है। इस नोटबंदी के फैसले ने तो देश को कई साल पीछे ले जाने का काम किया है। गठबंधन नाम के बैसाखी की जरूरत पड़ी है, तभी तो उनको इस गठबंधन नाम के इस बैसाखी की जरूरत पड़ी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो गठबंधन किया गया है इसका सिर्फ मकसद ये है कि अपनी हार का टीका दूसरे के सर मरना। चुनाव के बाद जब उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा तो ये कहेंगे कि हम इस चुनाव को कांग्रेस की वजह से हार गए, और कांग्रेस कहेगी कि समाजवादी पार्टी की वजह से हार गए। और कांग्रेस का तो साफ सीधा कर यह है कि हम तो डूबेंगे शरम पाप में, तुमको भी न डूबेंगे। तो ये डूबता हुआ जहाज समाजवादी पार्टी को भी अपने साथ ले डूबेगा। आज समाजवादी पार्टी की सरकार